हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। सो एज यू कैन सी हेयर, दीज आर द लेटेस्ट पैटर्न स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, और एक क्वेश्चन में दो पार्ट, एक क्वेश्चन के दो पार्ट यहाँ पर बोल्ड में दिए हैं, बाकी का पार्ट बोल्ड में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना है। टू पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड एंड रिमेनिंग पार्ट इज नॉट गिवन इन बोल्ड। तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डायरेक्शंस को पढ़ना चाहिए। रियल एग्जाम में भी और टेस्ट सीरीज देते समय भी यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिए रहते हैं, इनको आपको जरूर जरूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। The questions can be very confusing and twisted. ठीक है, तो इसलिए आपको you must read the directions given here. In the questions given below, some of the paths have been highlighted. You have to find the path which is not highlighted and is both grammatically and contextually correct. Ensure that the meaning of the statement remains unchanged. मतलब दो पार्ट इसमें बोल्ड में दिए हैं, और जो अनबोल्ड पार्ट है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा, यानी ज़्यादातर हिस्सा मीन्स कि ज़्यादातर पार्ट, मतलब चार पार्ट में से तीन पार्ट गलत हैं, एक पार्ट सही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। जो बोल्ड पार्ट है वो पहले से सही है, और जो अनबोल्ड पार्ट है उसमें करेक्ट पार्ट क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, ठीक है, आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस 3 आर इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट पाथ। ठीक है, तो ये इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, देखिए मेरी जो ट्रिक रहेगी इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, वो ये रहेगी कि यहाँ पर ये जो पार्ट्स दिए हैं, इन पार्ट्स में यदि आपको कोई पार्ट ऐसा लगता है कि जो सही है तो वही आपका आंसर है। Without reading the complete sentence, without going through the complete sentence, you can figure out the correct answer using this trick. कि आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर options देखने हैं, and whichever option you think is correct, that is your answer. जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, cricket is losing out on quality because of the, ये part बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओवर द गेम एंड ऑल्सो क्रिटिसाइजेस, यहाँ पर देखिए चूंकि विराट कोहली की इसमें बात हो रही है और विराट कोहली के आगे यहाँ पर फील्ड्स दिया है, तो यहाँ पर भी क्रिटिसाइजेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलती है इसमें। एक्सपेरिमेंट सच दैट, नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, जब हम नाउन के आगे सच लगाते हैं तो हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सच एज, सच दैट नहीं बोलते हम। तो यहाँ पर दिस दैट इज रॉन्ग, यहाँ पर एज यू कैन सी हेयर दिस क्रिटिसाइज वर्ड इज रॉन्ग, इट शुड बी क्रिटिसाइजेस बिकॉज इट इज़ रेफरिंग विराट कोहली, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, ऑल्सो क्रिटिसाइजेस प्रपोज एक्सपेरिमेंट सच एज द 100 बॉल फॉर्मेट हैविंग बीन पुश्ड बाय द इंग्लैंड बोर्ड। देखिए ये एक फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को इंग्लैंड बोर्ड के द्वारा पुश किया जा रहा है, ये पुश किया जा चुका नहीं है। So you cannot use here having been. You must use this format is being pushed by the England board. तो देखिए इस तरह से अगर आप एक एक पार्ट को एनालाइज करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने क्या ट्रिक बताई आपको कि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें से तीन तो करेक्ट होंगे, लेकिन एक पार्ट आप देखिए जो करेक्ट आपको लग रहा है। जैसे मैंने ये पार्ट देखा, क्रिकेट इज लूजिंग आउट, क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द, लूजिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज पर आप वीक हो रहे हो, वहां पर कमजोर पड़ रहे हो। तो क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी, मतलब क्रिकेट में जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। क्रिकेट इज लूजिंग आउट ऑन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्रिकेटर्स रहते हैं वो ऐड करते हैं और इंडोर्समेंट्स करते हैं। तो ये पार्ट देखिए आपको बिल्कुल सही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिटिसाइजेस होना चाहिए, यहाँ पर एज होना चाहिए, यहाँ पर बींग पुश्ड होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि करेक्ट पार्ट को नीचे ऑप्शंस में करेक्ट पार्ट को आप देखें, यदि आपको लग रहा है कि ये ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए बेस्ट ट्रिक रहेगी। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द तालिबान अपीयर टू बी ओपन टू ए ब्रीफ ट्रूस एंड टॉक्स।
अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना आप यहां पर कोई पार्ट ऐसा देख सकते हैं जो आपको लग रहा है कि करेक्ट है। जैसे इस पार्ट को देखिए, ठीक है, आपने डायरेक्ट इन पार्ट्स को नहीं देखा, यहां पर भी क्वेश्चंस को नहीं देखा, यहां पर भी नहीं देखा, डायरेक्ट ये पार्ट देखिए, हैज येट टू गिव द नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नॉट का मतलब होता है अग्रीमेंट देना, ठीक है, अपना कंसेंट किसी को देना, अपनी सहमति किसी को देना। और यहां पर जब आप बोलते हैं, जैसे जैसे यदि मैं बोलूं कि आई एम येट टू गिव द नॉड, या आई एम, इसको मैं अलग से बोलता हूं, आई एम येट टू स्टार्ट द क्लास, ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे क्लास अभी स्टार्ट करना है। आई एम भी बोल सकता हूं इसमें मैं, और आई हैव भी बोल सकता हूं, ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही माने जाते हैं, आई हैव येट टू स्टार्ट द क्लास, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन से आई एम येट टू स्टार्ट द क्लास। तो ये वाला फ्रेज देखिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं लग रही है फोर में। अब यहां पर देखिए इवन, ठीक है, यदि यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर यहां पर लगा दूंगा। देखिए मैंने इसको नहीं पढ़ा और मैंने इन ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ा, और क्योंकि मुझे ये ग्रामेटिकली सही लग रहा है, ये पार्ट जो है ग्रामेटिकली सही लग रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा दिया इसका। तो इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए चूंकि ये क्लास है इसलिए मैं पूरा इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए द तालिबान अपीयर, अब यहाँ पर देखिए ये जो बोल्ड पार्ट है, क्या ये पार्ट इनकरेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि बोल्ड पार्ट इज ऑलरेडी करेक्ट। और यहां पर देखिए अपीयर में क्या लिखा है, अपीयर में एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब तालिबान को एज ए ग्रुप यहां पर कंसीडर किया जा रहा है, इसको प्लूरल नाउन कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि यदि ये सिंगुलर होता तो यहां पर एस होता है, इसमें इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस ये मान के चल रहा है कि तालिबान एक ग्रुप है और इसको प्लूरल माना जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको प्लूरल माना जा रहा है तो यहां पर फिर इट्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा देयर। रिलीजिंग एक्चुअली क्या है, रिलीजिंग एक जेरेंड फॉर्म होती है, इससे पहले टू हम नहीं लगाते, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहां पर रिलीजिंग लगा हुआ है तो यहां पर हम ऑफ लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये गलती है इसमें, ओपन टू अ ब्रीफ ट्रूस एंड टॉक। देखिए एंड के साथ जब हम दो वर्ड जोड़ते हैं तो वो दोनों ही दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, यदि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो यहां पर ट्रूस एंड टॉक्स की स्थान पर यू मस्ट से ट्रूस एंड टॉक। ठीक है, एंड के द्वारा हमने यहां पर जोड़ा हुआ है इसको, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। देखिए आ गया यहां पर आपका आंसर, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपको यू हैव टू फिगर आउट द करेक्ट पार्ट इन द होल सेंटेंस, तो उस करेक्ट पार्ट को आप डायरेक्टली भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट तरीका है इसको करने का। देखिए सभी वीडियो क्लासेस में मैं वर्ड मीनिंग्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स इज अ इंट्रीगल पार्ट ऑफ एनी बैंकिंग एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है सीक्वेस्टर्ड, सीक्वेस्टर्ड एक वर्ड आया है, सीक्वेस्टर्ड का मतलब होता है सेक्लूडेड, क्लॉस्टर्ड या छुपा हुआ, कंसील्ड या छुपा हुआ या टक्ड अवे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वर्ड दिए हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और ट्रूस क्या होता है, वॉट इज ट्रूस, ट्रूस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स, जो एनिमीज होते हैं अपोनेंट्स होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान है, टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग फॉर ए सर्टेन टाइम। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है कि ठीक है हमारे बीच में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जो फाइटिंग चल रही है, जो बैटल चल रहा है, उसको कुछ समय के लिए हम खत्म करते हैं। द गोरेलास कॉल्ड अ थ्री डे ट्रूस, तीन दिन के लिए उसको खत्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रूस। इसके लिए कुछ अलग वर्ड्स भी हैं, सीज फायर भी इसको हम बोलते हैं, सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज भी बोलते हैं, सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो सीक्वेस्टर्ड और ट्रूस यहाँ पर दो वर्ड मैंने आपको बताए हैं। चलिए नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप डायरेक्टली विदाउट रीडिंग दिस पार्ट, विदाउट रीडिंग दिस पार्ट आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखिए कौन सा पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अमेजन की बात कर रहे हैं, तो अमेजन सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब में आप एस लगा सकते हैं। तो यदि इस पार्ट को देखें आप, स्काउट्स द कंट्री फॉर अलायंसेस, ये पार्ट, इस पार्ट में बताइए गलती कहाँ पर है। स्काउट्स द कंट्री फॉर अलायंसेस, स्काउट्स मतलब उसको तेजी से किसी चीज़ को मूव करना, जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, टू मूव स्विफ्टली और एनर्जेटिकली ओवर टेरिटरी।
तो चूंकि अमेजन सिंगुलर है और यहाँ पर स्काउट्स लिखा हुआ है जो कि सही है, स्काउट्स द कंट्री फॉर अलायंसेस, यानी ग्रामेटिकली इस पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आपका डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं थर्ड, लेकिन इसको समझाना है चूंकि इसलिए पढ़ लेते हैं। अमेजन इज इन अर्ली टॉक्स विद स्पेंसर्स रिटेल। स्पेंसर्स रिटेल एक कंपनी का नाम है, जिस तरीके से अमेजन एक कंपनी का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर अमेजन इज इन अर्ली टॉक्स, ये सही है सेंटेंस, अमेजन इज इन अर्ली टॉक्स विद स्पेंसर्स रिटेल टू पिक आउट अ माइनॉरिटी स्टेक इन द फूड। एक्चुअली यहाँ पर पिक आउट नहीं आएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे पिकअप। पिकअप का मतलब होता है टेक अ माइनॉरिटी स्टेक, मतलब अमेजन स्पेंसर रिटेल में कुछ स्टेक लेना चाहती है, कुछ उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो पिकआउट का मतलब चूज करना होता है, पिकअप का मतलब उस चीज़ को हासिल करना होता है, तो ये गलत है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू ये द इसमें इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, अकॉर्डिंग द नहीं आएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू टू पीपल हु नॉलेज ऑफ द मैटर, अकॉर्डिंग टू द टू पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर स्काउट्स द कंट्री फॉर अलायंसेस टू पेनीट्रेट डीपली नहीं होगा, ये डीपली वर्ड गलत है, ठीक है, अभी भी मार्केट में प्रेजेंस है अमेजन का, लेकिन वो मार्केट में और ज़्यादा अंदर तक पेनीट्रेट करना चाहता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं टू पेनीट्रेट डीपर इन टू द मार्केट, ठीक है, तो ये इसमें गलतियाँ हैं, इसमें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्काउट्स का मतलब होता है टू मूव स्विफ्टली और एनर्जेटिकली ओवर टेरिटरी। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी देखिए मैं डायरेक्टली करता हूं, करके बताता हूं। द रुपी प्लंज टू एन ऑल टाइम लो वर्सेस द डॉलर। डॉलर से पहले हम द लगाएंगे, तो प्लंज का मतलब है नीचे जाना, द रुपी प्लंज के बाद भी हम टू लगाते हैं, टू ऑल टाइम से पहले एन लगा हुआ है, द रुपी प्लंज टू एन ऑल टाइम लो एज कम्पेयर टू द डॉलर या वर्सेज डॉलर, तो ये पार्ट सही लग रहा है यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं एग्रेसिवली बॉट अ ग्रीन बैग, क्या है ग्रीन बैग, हम डॉलर को ही बोलते हैं, तो ग्रीन बैग से पहले यहाँ पर द आएगा। वाइल वीक इमरजेंट मार्केट, मार्केट यहाँ पर नाउन है, तो इसको मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इमरजेंट का क्या होता है, इमरजिंग, ठीक है। यहाँ पर चूंकि प्लंज्ड है तो यहाँ पर ये होना चाहिए क्लाउडेड द आउटलुक। क्लाउडेड द आउटलुक मतलब उस किसी पर्टिकुलर परसेप्शन के बारे में एप्रीहेंसिव होना, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। द रुपी प्लंज टू एन ऑल टाइम लो वर्सेज द डॉलर एज स्टेट ओन्ड बैंक्स एग्रेसिवली बॉट अ ग्रीन बैक वाइल वीक इमर्जिंग मार्केट सेंटीमेंट क्लाउडेड द आउटलुक फॉर द लोकल करेंसी। इसका सिंपल सा मतलब ये निकल रहा है कि रुपी की जो वैल्यू गिरती जा रही है या पास्ट में गिरी, वो इस वजह से गिरी क्योंकि स्टेट ओन्ड बैंक एग्रेसिवली डॉलर को खरीदना चाहते थे, ठीक है, जबकि जो इमर्जिंग मार्केट सेंटीमेंट्स थे वो एप्रीहेंसिव थे लोकल करेंसी के बारे में। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट, इट्स ए वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे IBPS PO मेंस एग्जाम में और SY PO मेंस एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रीन बैग, वॉट इज ग्रीन बैग, ग्रीन बैग इज ए स्लैंग टर्म फॉर द US डॉलर। This name is derived from the green color of US paper currency. तो US की जो करेंसी होती है उसका ग्रीन कलर होता है, इसलिए इसको ग्रीन बैक हम बोलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी टफ क्वेश्चन है और इसमें भी आप डायरेक्टली यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट सही है। फॉर लॉन्ग इन स्लीपिंग, एक्चुअली स्लीपिंग मोड नहीं होता, ये स्लीप मोड होता है। अब देखिए इस पार्ट को देखिए, सीम्स टू बी कमिंग टू लाइफ, डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इस पूरे सेंटेंस को आप मत पढ़िए और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक शेयर होल्डर एक्टिविज्म, यानी एक ये सिंगुलर नाउन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंगुलर नाउन, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर एक्टिविज्म, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, ये सही है। सीम्स टू बी कमिंग टू लाइफ, अब इस पार्ट में देखिए कोई भी गलती नहीं है इस पार्ट में, और ये पार्ट आपका अनबोल्ड है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली लेटर के स्थान पर लेटर होगा, यहाँ पर स्लीप मोड होता है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं लेटर विद क्वाइट अ फ्यू लिस्टेड कंपनीज, मीटिंग टू नहीं होता एक्चुअली, मीटिंग विद होता है, मीटिंग विद अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस फ्रॉम, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि इसको पढ़े बिना, इस क्वेश्चन को पढ़े बिना डायरेक्टली यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में,
कि कौन सा पाथ आपको ग्रामेटिकली सही लग रहा है। यदि आप फाइंड कर लेते हैं और आप श्योर हैं कि यही सही पाथ है तो आप लगा सकते हैं आंसर, नहीं श्योर हैं तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ के फिर आप आंसर लगा सकते हैं। स्लीप मोड क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड स्टैंड बाय और सस्पेंड मोड इज ए पावर स्पेरिंग स्टेट दैट ए कंप्यूटर कैन एंटर व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, कंप्यूटर जब हम काम नहीं करते तो वो स्लीप मोड में या स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये IBPS PO मेंस एग्जाम और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके मेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये करंट पैटर्न है और इस तरह के क्वेश्चन इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आप दे सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।